हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोबाइल गर्म क्यों होता है, मोबाइल ओवरहीट क्यों होता है, किस कारण होता है, इससे क्या प्रॉब्लम आती हैं, इस ओवरहीटिंग को किस तरह दूर किया जा सकता है, इसके उपाय हम बताएंगे। आप हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की सूचना मिलती रहे। सबसे मेन कारण होता है, अगर आपका मोबाइल ज़्यादा गर्म हो रहा है तो जैसे बैकग्राउंड ऐप्स होते हैं जिनको हम चला लेते हैं और क्लोज नहीं करते हैं और मेन बटन को दबाकर बाहर आ जाते हैं। जैसे मैंने ये होता है बटन होता है, जैसे ये बटन है, ये सभी चालू है मेरे और ऐप्स रनिंग चल रहे हैं। इससे मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज प्रभावित हो रहा है और मोबाइल गर्म हो रहा है। इस तरह ये मोबाइल गर्म होते इनको हमें डिलीट करना होगा। जैसे इस तरह ये इनको डिलीट किया जा सकता है, इससे मोबाइल आपका गर्म कम हो रहा, इस तरह डिलीट हो रहे। ये है मेन कारण। और भी हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, सबसे हमें कैमरा होता है, कैमरे की जो ब्राइटनेस होती है वो भी जिस तरह ये है यहाँ से, ये भी मोबाइल को ज़्यादा गर्म करती है। या हम कैमरे को चालू छोड़ देते हैं 1-2 मिनट तक तो मोबाइल इससे भी गर्म होता है, इसको हम कम कर सकते हैं। और मोबाइल की जो स्क्रीन ब्राइटनेस होती है जिस तरह ये ज़्यादा बढ़ रही, इससे भी मोबाइल गर्म होता है और बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है, इसको हम कम करके सेट कर सकते हैं, जिससे मोबाइल भी गर्म कम हो रहा और बैटरी कंज्यूम भी ज़्यादा कम हो रही। और अगला कारण है आपके मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज। जिस तरह अभी बताता हूँ आपको मैं मेरी मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज कितनी है, अभी जिस तरह मैंने निकाला, देख सकते हैं अपनी मोबाइल की आप सभी। देखो मेरी इंटरनल अब 614 MB खाली है बस, इसको भी और खाली कर सकते हैं। जिस तरह हमें सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा, उसके बाद यहाँ देखना होगा हमें स्टोरेज कहाँ मिलता है। हाँ ये मिल गया, स्टोरेज में जाते हैं। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज 96% फुल है मेरा, इसको हमें खाली करना होगा और इस तरह यहाँ पर आते हैं और ये आता है। अभी कैलकुलेट हो रहा है इसमें कितना यूज़ में आ रही है मेमोरी, ये कैलकुलेट हो चुका है। अब ये नीचे है कैचेड डाटा, इसको हमें डिलीट करना होगा। ओके, अभी ये दोबारा कैलकुलेट हो रहा, जिससे आपकी इंटरनल स्टोरेज बढ़ जाएगी और मोबाइल रीडिंग गर्म भी कम हो रहा, 0 हो चुका है और मेरी इंटरनल स्टोरेज भी बढ़ चुकी है। इससे देख सकते हैं 1.5 GB हो चुकी है। इस तरह मोबाइल स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं और इससे मोबाइल गर्म भी कम होता है। नेक्स्ट स्टॉपेज है हम मोबाइल की लोकेशन को ऑन रखते हैं, इसको ऑफ रखकर भी हम अपनी मोबाइल की स्टोरेज को बढ़ा सकते हो। मोबाइल गर्म भी नहीं होता, इससे नेट भी ज़्यादा खर्च होता है, नेट भी खर्च नहीं हो रहा। इस तरह इसको बंद रख कर भी हम मोबाइल की टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। बहुत सी मोबाइलों का जो केस होता है, बॉडी होती है, वो किसी भी प्लास्टिक की, कोई मेटल की होती है, कोई फाइबर, इस तरह अलग अलग मेटल्स
टाइप की होती है। अगर मोबाइल आपका ज़्यादा गर्म हो रहा है तो मोबाइल के ऊपर का कवर को खोलकर थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दें, इससे आपकी मोबाइल की थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मोबाइल पर ओवर टेम्परेचर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसे अपना प्ले स्टोर होता है जिसमें ऑटो अपडेट आता है, जिस तरह मैं अभी बताता हूँ आपको, ये माई एप्स एंड गेम्स में ये भी ये ऑटो अपडेट, इसको हम ऑटो कर देंगे तो मोबाइल भी गर्म होगा, इसलिए इसको ऑफ रखें। इससे मोबाइल की ओवर टेम्परेचर नहीं हो रहा और डाटा भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। और वाईफाई को हम ऑन छोड़ देते हैं, इसको भी हमें ऑफ रखना चाहिए, जब ज़रूरत पड़े तभी इसको ऑन करना चाहिए। इससे भी अपने मोबाइल की बैटरी भी कम खर्च होती है, और मोबाइल का जो प्रोसेसिंग है वो भी थोड़ा तेज़ रहती है। इस तरह हम मोबाइल की बैटरी को सेव रख सकते हैं और बैटरी को बचा भी सकते हैं, ज़्यादा टाइम हम बैटरी का यूज़ में भी ले सकते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, हमारी बैटरी कम खर्च हो रही और मोबाइल ओवर हीट भी नहीं हो रहा। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।